हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. थैंक यू सो मच एवरीवन मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए एंड मेरी वीडियोस को इतना ज्यादा अप्रिशिएट करने के लिए. हमारी जो फैमिली है वो सून 1000 सब्सक्राइबर्स की होने वाली है. सो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू प्लीज ज्वाइन माय फैमिली एंड हेल्प मी टू हिट माय 1000 सब्सक्राइबर्स. सो आज की जो वीडियो है वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू सर्वाइव इन विंटर्स इन Canada. This is your first time. See how winters looks here in Canada. So this video is for you. Again, मैं कोई pro नहीं हूँ. I am just giving you my suggestions and मैं अपने experience के according ही मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ. So मैंने कुछ bifurcate करा है 3 points में जो मैं आपको बताने वाली हूँ इस video में. So the first step is good clothing and accessories. So of course, good clothing बहुत ज़्यादा importance रखता है. Ontario की बात कर रही हूँ बिकॉज आई लिव हियर. सो ऑन्टारियो में -30 इतना टेम्परेचर जाता है. सो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर होना होगा. आपको -31, -30 की आपको जैकेट्स लेनी होंगी. आप जैकेट्स इंडिया से लेकर आते हैं, इंडिया में -30 नहीं जाता है. इंडिया की विंटर्स में एंड कैनेडा की विंटर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. तो वो जो आप जैकेट्स लेकर आते हैं वो यहाँ पे काम नहीं करने वाली है. भी फॉल में आप वो जैकेट्स को यूज कर सकते हैं. पे मैं एक लिस्ट दिखा दूंगी. आप इस स्टोर से जाकर के -30 तक की जैकेट ले सकते हैं. आपको वो कॉस्ट होगी अराउंड 230 to 250 में. आपको एक बहुत अच्छी जैकेट मिल जाएगी एंड जो लॉन्ग लास्टिंग भी होगी. एंड अभी ब्लैक फ्राइडे आ रहा है तो ऑफकोर्स ब्लैक फ्राइडे पे मोस्टली 60% 70% भी डिस्काउंट मैंने बहुत जगह पे देखा है. तो आप या तो ऑनलाइन या फिर आप इन स्टोर जाकर भी वो चेक कर सकते हैं. बट येस, अ गुड जैकेट ट इज मस्ट. सो जो भी आप जैकेट ले उसमें माइनस टेम्परेचर का तो ध्यान आपको रखना है. एंड वन मोर थिंग, उसकी जो लेयर्स है एटलीस्ट उसमें 2 लेयर्स होनी चाहिए. आई मीन टू से एक उसमें बटन बंद करने वाली लेयर होनी चाहिए एंड एक जिपिंग वाली लेयर होनी चाहिए. बिकॉज जब स्नो गिरती है एंड अगर आपको बाहर जाना पड़ता है तो आपको इतनी लेयर्स वाली जैकेट ही चाहिए होती है. ऑल्सो आपको एक गुड क्वालिटी के ग्लव्स भी लेने होंगे. आप कहाँ कहाँ से ग्लव्स ले सकते हैं यहाँ पे मैं एक पूरी लिस्ट डाल दूंगी. मैं अगर आपको अपनी स्टोरी बताऊं तो बिकॉज मुझे कोई बताने वाला नहीं था मेरे इनिशियल डेज पे, पता नहीं था कि ग्लव्स इतने ज्यादा यू नो इम्पोर्टेंस रखते हैं. मैं जॉब पे जा रही थी एंड मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं जॉब पे पहुंची तो मैंने देखा मेरे जो हैंड्स है वो एकदम रेड हो चुके थे. रेड एंड उसमें थोड़ा ब्लूइशनेस भी हो गई थी. एंड सो मुझे तब पता चला कि अच्छा ओके, ये स्नो वाइट होती है. सो मुझे वो पूरा मेरे हाथ एकदम फ्रीज हो गए थे एंड रेडनेस हो गई थी मेरे हाथ पे. आपको वो चीज नहीं चाहिए है, तो ऑफकोर्स आप एक गुड क्वालिटी की ग्लव्स लेके आओ. आई सजेस्ट आपको कैप भी लेनी होगी क्योंकि अगर आपके कान कवर्ड नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा जो विंड है वो आपके ईयर्स में जा सकती है. अगर आप कैप नहीं लेना चाहते हैं तो आप जो ईयर ग्लव्स होते हैं वो भी ले सकते हैं. आई यूज पर्सनली ईयर ग्लव्स, मुझे वो कंफर्टेबल लगते हैं कैप से. सो वो आप ले सकते हैं. कैप आपकी विंटर जैकेट में भी होती है. एंड ऑल्सो आई फॉरगेट टू टेल यू, जब आप विंटर जैकेट लेते हैं तो उसकी जो कैप होगी मेक श्योर उसमें जो फ्लफर होते हैं वो हो, बिकॉज जब स्नो गिरती है एंड वही कैप आपको बचाती है आपके फेस पे स्नो आने. सॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पैरों से ठंड लगती है. मुझे पर्सनली ऐसा हो चुका है. मैं एक बार सॉक्स पहन के नहीं गई थी एंड मेरे पूरे पैर भी फ्रीज हो गए थे एंड देन मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगी थी. मैंने मेडिसिन वगैरह ली बट कुछ नहीं हुआ था एंड एट लास्ट मुझे फीवर ही हुआ था. सो अगर आप फीवर नहीं चाहते हैं एंड आपको काम करना है, आप बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, सो आई सजेस्ट एक गुड सॉक्स लीजिए. एंड जो हाफ वाली सॉक्स होती है वो नहीं, एक प्रॉपर लॉन्ग सॉक्स होती है, आई सजेस्ट वो आप लीजिए. सेकेंड टिप इज बेसिक मेडिकेशंस. अब आप मुझे बोलेंगे कि मेडिसिन क्यों रखनी है. कॉमन मेडिसिन होती है जो आपको ऑलवेज अपने साथ रखनी होगी बिकॉज यू नेवर नो कब क्या हो जाए. पे जो ऐसा विंटर है, अगर आप बीमार होते हैं तो ऐसा बाहर नहीं जाने वाली एक मेडिसिन लेने के लिए. तो विंटर आने से पहले, स्नो गिरने से पहले ही आई सजेस्ट जो बेसिक मेडिकेशंस हैं वो आप अपने बैग में या फिर आप अपने घर में एक छोटा सा बॉक्स बना के उसमें रख सकते हैं.
हैं। एक तो जो बहुत बेसिक है टाइलेनॉल, यहाँ पे सभी फार्मासिस्ट आपको यही रिकमेंड करेंगे, बोलेंगे कि टाइलेनॉल ले लो, सो वो आप एक रखो। विटामिन सी एंड डी भी रखो, डी बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट इतनी नहीं होती है विंटर्स में। और आप जिंक के सप्लीमेंट्स भी रख सकते हैं। ऑल्सो फ्लू शॉट्स यहाँ पे बहुत लोग लगवाते हैं, काफी टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, वो जब भी विंटर आता है तो फ्लू शॉट्स लगवा लेते हैं। मैं उसके लिए आपको इतना रिकमेंड नहीं करूंगी, बट आप उसमें इंटरेस्टेड है सो आई सजेस्ट आप किसी भी फार्मेसी पे जाकर के आप उनसे सजेशन लेके फ्लू शॉट्स लगवा सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज स्टे एक्टिव एंड बिजी। अगर आपको यहाँ के विंटर्स में सर्वाइव करना है तो आपको अपने आप को बिजी रखना होगा एंड एक्टिव भी रखना होगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा होम सिकनेस हो जाएगी, आपको डिप्रेशन होगा एंड आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इस बाहर आप जा नहीं सकते, इतना ज्यादा डिप्रेसिंग है क्योंकि हर जगह स्नो होती है, 4 बजे 5 बजे ही इतना अंधेरा हो जाता है तो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग होता है। सो आपको अपने आप को बिजी रखना होगा एंड आपको जो लाइफस्टाइल है उसको एक्टिव बनाना होगा। उसके लिए आप जिम की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, आप हफ्ते में 3 बार जिम जा सकते हैं जिससे कि आप एक्टिव रहेंगे एंड आपका मूड भी बहुत अच्छा रहेगा एंड आपको डिप्रेसिंग भी फील नहीं होगा। सेकेंड थिंग इज आप अपने फ्रेंड्स के साथ मीटअप प्लान कर सकते हैं, कोर्स बाहर नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी इतनी स्नो है, बट फ्रेंड्स वगैरह जैसे कभी 2 हफ्ते में 1 बार एक गेट टुगेदर कर सकते हैं, सो उससे भी आपका एक मूड चेयर अप हो जाता है। जो भी आपकी कोई अच्छी हॉबी है जो आपको अच्छी लगती है, जैसे ही आपको टाइम मिलता है तो टाइम टू टाइम वो करते रहिए सो दैट आप किसी चीज में इंगेज है, बिल्कुल भी फ्री यहाँ पे मत बैठिए। आई नो वैसे तो टाइम ही नहीं मिलता है फ्री बैठने का कैनेडा में, बट जितना भी आपको टाइम मिलता है उसमें कुछ ना कुछ करते रहिए, सिर्फ एक्टिव रहिए एंड अपने आप को बिजी रखिए। सो या दीज आर ऑल द पॉइंट्स जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आपको सजेस्ट करे कैनेडा में अगर विंटर सर्वाइव करना है तो ये सारे पॉइंट्स थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड हेल्पफुल लगी हो देन प्लीज टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाती रहूंगी। सो हेल्प मी टू हिट माय 1000 सब्सक्राइबर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।